क्योंकि आज हम आपको ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो बहुत ही नापाक, बहुत ही जलील और बहुत ही दरिंदगी भरी है। एक ऐसी चीज है जिसको आप सहन नहीं कर पाएंगे और हमारे व्यूअरशिप गिर जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्मों की। आपने ठीक भेजा, फिल्में जिसे देखकर बच्चे गाली सीखते हैं, फिल्में जिसे जवान लड़की देखकर बॉयफ्रेंड बनाना और घर से भागना सीखती है, फिल्में जिसे देखकर बाप दारू पीना, जुआ खेलना और अय्याशियां करना सीखता है। ये सब सामाजिक सुविधाएं जो है ये फिल्मों के प्रभाव से ही आती है और फिल्मों का दुष्प्रभाव आता है पोस्टर, टीवी, रेडियो, एफएम, ट्रांजिस्टर और उन सिनेमाघरों से जहां पर ये फिल्में लगती हैं। ये फिल्में आजकल की जवान पीढ़ी पे एक बुरा असर डालती हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, मॉलों में, ऑफिसों में ऐसे कैसे ले लिया? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। क्या है? लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। मुगैम्बो खुश हुआ। क्लाइंट से बात हुई, कितने है माना? 30 से 40। पूरे 50,000। 12 से 17 के बीच वी हैव टू कम अप विद द फाइनल प्रोडक्ट। तारीख पर तारीख। यहाँ काम नहीं होता, यहाँ पे कुछ होता है तो तारीख। तुम्हें इस मीटिंग में बुलाया किसने? तो जान से मार डालूंगी। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। किसी ने मां का दूध पिया है तो सामने आओ। अंधेरा क्यों छाता जा रहा है माँ? नहीं नहीं, मुझे अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत देर हो चुकी है अब तो। मेरे लिए मेरा वक्त आ गया। वरना साले तो देखा आपने फिल्मों का असर, एक बेकसूर की मौत और न जाने कितने बोरियत का शिकार। कब तक चलता रहेगा ये दरिंदगीपन, कब तक चलता रहेगा ये नापाकतापन और कब तक चलता रहूंगा मैं यूं ही कैमरे के पास और पास, पास ही पास और पास। May I come in, sir? Yes. मैं इस रोल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? कुछ भी। कुछ भी। कुछ भी।
कुछ भी, कुछ भी। क्या तुम मेरे बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ा सकती हो? फिल्मों में सबसे महंगी चीज होती है अभिनायक। क्यों? फिल्मों में कोई भी नॉर्मल तरीके से बात नहीं करता। क्यों? फिल्मों में मुझे काम नहीं मिलता। क्यों? क्या है इन सब सवालों का जवाब? हाँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इन सवालों को तब तक दोहराता रहूंगा जब तक मुझे इनका जवाब नहीं मिल जाता। सर जैसे देख ही सकते हैं, जैसे बात हुई थी वैसे ही पूरा एग्रीमेंट तैयार करके ले हैं सर, बस आपकी साइन की देरी है यहाँ पे सर। ऐसे ना करिए सर, अब सब बात हो चुकी है सर, एग्रीमेंट बन चुका है, अब इस पॉइंट पे आखिर ऐसे मुकरना चाहिए सर। बैठिए 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 बैठिए, अब तो ऐसे ही जा रहे हैं सर, कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए सर, हमें सोल बेचना है, खरीदना है, एक छोटी सी ख्वाहिश है सर, एक सोल की वजह तो सर सर हो ही गया है सब कुछ, बस साइन करने की देरी है सर। ऐसे तो जी सर, जी सर, बढ़िया है। कौन मार्को? तुम मार्को। मार्को असली 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 है। ओके सॉरी, चलता है। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर भाटावाड़ेकर, फ्रॉड डिवीजन। हम इसके पीछे बहुत टाइम से हैं। आप क्या लगा, आप इसके साथ किसी सोल की डील कर सकते हैं? इसने न जाने कितने जिन पिशाचों को अपने इसी जाल में फंसाया है। एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। इसकी आंखों में देखो, आपको कोई सोल, कोई आत्मा नजर आती है? इस कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, ये भी असली स्टैम्प पेपर में नहीं है, और इसने अपने साइन की जगह किसी आदमी और औरत की गंदी सी तस्वीर बना रखी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे और भी बहुत लोग हैं। ले जाओ इसे। देख लूंगा फटाफट कर। अच्छा हुआ आप आ गए इंस्पेक्टर, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। ये बस एक बेकसूर है जो स्कैम आर्टिस्ट के जाल में फंसते फंसते बचे। क्या आप बच पाएंगे? सोल, रूह या आत्मा की खरीदारी रजिस्टर्ड सोल डीलर के साथ ही करें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 1800000000000। अभी विश्वनाथ सूत्र से पता चला है कि फिल्मों में एजुकेशनल वैल्यू बाकी है। महिलाओं से बातचीत सदियों से मानव जाति के साथ है। अगर महिलाओं से बातचीत ना की जाए तो शरीफों की तरह प्रजनन करने में बाधा हो सकती है। आप में से कई लोगों को महिलाओं से बात करना पहले से ही आता होगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं होता। चलिए इनको ही ले लेते हैं। ये है मास्टर पुन्नू। ये महिलाओं से बात नहीं कर पाते है ना, लेकिन निराश ना होइए, हम हैं ना सहायता करने के लिए। तो चलिए, अगर देखा जाए तो कोई भी सुनने से पहले दिखता है, इसको विज्ञान भी साबित कर चुका है। इसलिए किसी भी महिला से बात करने के पहले आपको अपनी शक्ल सूरत सुधारनी होगी। बहुत बारीकी में जाने से अच्छा है कि हम इसको ऐसे कर देते हैं। इसमें और पहले में अगर आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है तो इसे आजमा के देख लेते हैं। और पहले देखा आपने, हाव भाव सुधारने के बाद हमें काम करना है महिलाओं के करीब जाने पर। महिलाओं के पास ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते। कुछ अच्छे मौके हैं जब वो अकेले बैठ के चाय पी रही हो, या फिर बस की प्रतीक्षा में, या फिर सिनेमा घर की लाइन।
इन मौकों पर महिलाओं के पास जाना सही होगा, लेकिन बुरे मौके जैसे व्यक्तिगत समय के दौरान। जब वो अपनी सहेली से अपने मंगेतर के बारे में बात कर रही हो, जब वो रात को अकेले घर लौट रही हो, ना 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 ना, उचित समय में महिला अगर आपको मिल जाए तो शौक से उनके पास जाइएगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए, बहुत अच्छे। अगला कदम है बात शुरू करना। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए इसको संभाल के करिएगा। बातचीत शुरू करने के समय आपके पहले शब्द कुछ इस तरह होने चाहिए, माफ कीजिए, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? फिर ये महिला बोलेंगी, जी जरूर, बैठिए बैठिए। ध्यान रहे कि तुम सही चीज बोलना, ना कि माफ करिए क्या मैं आपके ऊपर बैठ सकता हूँ, या फिर माफ करिए आप मेरे ऊपर बैठ सकती हैं, या फिर बैठ जाइए क्या आप मुझको माफ करेंगी, या फिर माफ कीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ बोला तो इसका परिणाम कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा और आपको बैठने को तो मिल ही जाएगा। अब बैठने के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम। यही कदम निर्णय करेगा कि आप इन महिला से कई बार बातचीत करेंगे या फिर शर्म से चूर चूर होके भाग पड़ेंगे। अब महिला की तरफ देखें, वो भी आपकी ओर देख रही होंगी, उनकी आंखों में देखें, उनके हाथ को पकड़ें। अरे वैसे नहीं, थोड़ा प्यार से, थोड़ा नजाकत से। अब वो धीरे धीरे उत्सुक हो रही होंगी आपकी बात सुनने के लिए, बेताब हो रही होंगी। वो कहेंगी, बोलो ना, या बोलते क्यों नहीं? और फिर आप जो इस महत्वपूर्ण कदम तक आए हैं, आप जिनकी बात सुनने के लिए महिला बेताब है, उत्सुक है, आप हमारे अगले अंक का इंतजार करेंगे। इस सप्ताह के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले अंक में, और तब बताएंगे कि महिलाओं से क्या क्या बातें की जा सकती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओए, ओ बंकर, कैमरा, ओ बंकर, अबे बंकर।